हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है और एक न्यू वीडियो पर। तो गाइस फाइनली फ्री फायर के अंदर और एक न्यू इवेंट आ चुका है, जिस इवेंट के अंदर हम सभी लोग को फ्री में इनक्यूबेटर बांडिल मिलने वाला है, मतलब ओल्ड इनक्यूबेटर बांडिल मिलने वाला है हम सभी लोग को फ्री में। तो इस वीडियो के अंदर बताएंगे इवेंट कैसे कंप्लीट करोगे, बांडिल कैसे क्लेम करोगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस इवेंट आप लोग को इवेंट सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इधर देख सकते हो तो आप लोग को 5 इनक्यूबेटर बांडिल मिल रहा है और ये बिल्कुल ही फ्री में हम लोग को मिलने वाला है। इवेंट आज से लेकर मतलब 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलने वाला है और इवेंट कम्प्लीट करने के लिए आपको इधर से गेम को सिर्फ लॉग इन करना पड़ेगा। टोटल आप लोगों को गेम को इधर से टोटल आप लोगों को 7 डेज गेम को लॉग इन करना पड़ेगा। 7 डेज आप गेम को लॉग इन कर लेते तो ये सारा बंडल हम लोग को फ्री में मिल जाएगा। मतलब ये जो सभी बंडल मिल रहा है ना, ये सभी बंडल हम लोग को परमानेंट तो नहीं मिल रहा है, बट कुछ दिन के लिए मिल रहा है, मतलब ट्रायल के लिए दे रहा है 7 डेज के लिए। 7 डेज के लिए इतना सारा बंडल हम लोग को फ्री में मिलेगा। 7 डेज हम लोग यूज कर पाएंगे ये सब बंडल। तो कितना खतरनाक बंडल आप लोग देख सकते हो। तो ये सब बंडल आप लोग यूज करना चाहते हो तो आपको गेम को 7 डेज लॉग इन करना पड़ेगा और 7 डेज गेम लॉग इन करते हो तो ये सब बंडल मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इधर से कैरेक्टर, इधर से ट्रायल बोल के इवेंट आया हुआ है तो इधर से क्रिएट मिल रहा है। तो ये क्रिएट ओपन करते हैं, क्रिएट के अंदर क्या मिलता है देखते हैं। क्रिएट के अंदर ओनली सिर्फ कैरेक्टर मिला है, देख सकते हो गाइस कितना सारा कैरेक्टर मिल रहा है 24 आवर्स के लिए। मतलब फ्री फायर का जितना सारा कैरेक्टर है सभी कैरेक्टर देख सकते हो फ्री में दे रहे हैं। मतलब बहुत सारा कैरेक्टर इधर से क्रोनो है, उसके बाद आलोक है, मतलब सभी कैरेक्टर फ्री फायर का जितना भी कैरेक्टर है ना, सभी कैरेक्टर आप लोग को इधर से देखने को मिल रहा है। इसके अंदर से कोई एक कैरेक्टर आप लोग इधर से ले सकते हो, मतलब कोई एक कैरेक्टर आपको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई एक करेक्टर को आपको सिलेक्ट करके ले सकते हो। जो नीचे जो एक मतलब राउंड टाइप के चीज़ देखने को मिला, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करके कोई एक करेक्टर को आप लोग इधर से ऐसे रिडीम कर सकते हो। ऐसे कंफर्म करोगे तो आपको वो वाला करेक्टर मिल जाएगा, तो समझ रहे हो। तो ऐसे करके आप मतलब करेक्टर ले सकते हो, जितना सारा करेक्टर मतलब मिल रहा है। सभी करेक्टर तो नहीं मिलेगा, जो करेक्टर आप लेना चाहते हो उसके अंदर से कोई एक करेक्टर ले सकते हो। तो कुछ ऐसा इवेंट था।